चलो, हेलो डियर ऑल। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एज यू गाइस कैन सी, हमें मीन निकालना है इस क्वेश्चन का, वो भी एज्यूम मीन मेथड से। तो स्पेशली यहाँ पे बोला गया है कि एज्यूम मीन मेथड से ही मीन निकालना है। तो जो फॉर्मूला मेरे पास होता है एज्यूम मीन मेथड का, ये हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, मीडियन इज इक्वल्स टू एज्यूम मीन का ए, देन समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, या कुछ कुछ बुक्स में इसको कैपिटल एन से भी डिनोट किया जाता है, और इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जो टोटल सम होगा हमारा फ्रीक्वेंसीज का, उन सब के सम को यहाँ पे एन से डिनोट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब फॉर्मूला क्लियर है, तो अब हम इसकी टेबल को बनाते हैं फटाफट से और देखते हैं क्या है। तो जब आप इसकी टेबल को बनाएंगे, तो ये जो स्टार्टिंग के दो हमारे पास ये हैं वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स, ये तो क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड ही था। ठीक है, तो जो वेजेस होते हैं बेटा, जो वेजेस होते हैं एक्चुअल में, उन्हें हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें करना पड़ता है यहाँ पे पता एज्यूम मीन मेथड का, यानी हमें सबसे पहले ना ए लेट करना होता है। और वो ए लेट कहाँ से करना होगा, ये जितने भी वेजेस आपको प्रोवाइडेड हैं, वेजेस इनमें से किसी भी एक वैल्यू को मैं ए एज्यूम कर लेता हूँ, यानी ये जो एक्स आई है इसमें से ही मुझे किसी एक को एज्यूम मीन लेना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में लेट से मैं ए यानी 900 को एज्यूम मीन लेट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आपके पास फॉर्मूले में डी आई एक होता है, तो डी आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई में से जब आप ये एज्यूम मीन 900 को माइनस करोगे तो क्या क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो 800 में से 900 को माइनस करोगे तो माइनस का 100 आएगा, 820 में से 900 को माइनस करोगे तो माइनस का 80 आएगा, 860 में 900 को माइनस करेंगे तो माइनस का 40 आएगा। तो ये डी आई की वैल्यू यहाँ क्यों आ रही है, ये समझ में आ रहा होगा। अब 900 में एज्यूम मीन है और एक्स आई भी 900 है, तो 900 में से 900 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, फिर 920 में से 900 को माइनस करोगे तो प्लस का 20 आएगा, 980 में से 900 को किया तो भी प्लस का 80 आया, ऊपर सॉरी 20 आना था, और 1000 में से 900 को माइनस करोगे तो आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में आपको कि ये हमारे वैल्यूज एक्चुअल में आई कहाँ से हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने डी आई की यहाँ पे दे दी हैं। अब अगले लॉजिक में आता है एफ आई इंटू डी आई। तो अब एफ आई और डी आई का जब इंटू होगा, तो एफ आई और डी आई का इंटू करने से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आती हैं वो हम देखते हैं। तो अगेन इट्स वेरी सिंपल, 7 × -100 इज -700, 14 × -80 इज नथिंग बट 1120, देन 19 × 40 इज नथिंग बट -760, है ना, ये आपको दिख रहा होगा कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन पार्ट इतना टफ नहीं है, जैसे आपने 10 के 80 से करवाया तो 800 आया, 20 का 20 से करवाया तो 400 आया, 5 का 100 से तो 500 आया, है ना। तो एफ आई डी आई का जब मैं समेशन निकालूंगा तो बेसिकली इन सबको ऐड करूंगा, तो इन सबको ऐड करने से आया मेरा माइनस का 880। मैं जब सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करूंगा तो मेरे पास 100 आया यहाँ पे। तो क्वेश्चन हैज़ बिकम वेरी वेरी इजी, मुझे मीन निकालना है। मेरा ए जो था वो यहाँ पे 900 था, प्लस जब मैंने एफ आई और डी आई को इन सबको ऐड किया तो मेरे पास आया यहाँ पे माइनस का 880। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी एफ आई मेरे पास यहाँ से 100 आया, तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये हुआ 900,
प्लस में ये माइनस का साइन है, तो आपको पता है अगर 100 है नीचे तो ऊपर 8.8 हो जाएगा, और 900 में जब आप 8.8 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 891.2 एज योर आंसर, ठीक है। सो इतने नंबर ऑफ रुपीज़ हमारा इस क्वेश्चन में आंसर आया है, तो इतने रुपीज़ आपका मीन यहाँ पे निकल के आता। सो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा इसमें टफ नहीं था, कैलकुलेशन पार्ट है जो आपको ऑलरेडी आता है। थैंक यू।